मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे। आज हम जानेंगे कि तुलसी के द्वारा कैसे बुखार, डैंड्रफ एवं झड़ते हुए बालों का समाधान किया जाता है। आज मैं आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूं जो ऐसी ही अद्भुत औषधियां हैं और अपने स्वयं पाक घर के बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध है। उनमें से एक औषध है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी हम सबके घर में है, ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुलसी ना हो। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का ऐसा होता है कि उसका रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन, और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है, डार्क ग्रीन। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। तो ये जो श्याम तुलसी है इसी के औषधीय गुण है, राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं। तो घर में लगानी है आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है, साल के किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि ये सभी समय मिलती, कोई भी समय में आपको ये मिलती, तो आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। अब ये जो श्याम तुलसी है इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने, ज्वर, फीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या टाइफाइड का बुखार आ गया आपको, या सर्दी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है, तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग करें। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है, 15-20 पत्ते इसके तोड़िए श्याम तुलसी के, चटनी बना के उसका रस निकाल लीजिए, इस रस को गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, और अगर आप शहद खा सकते हैं, मध खा सकते हैं तो थोड़ा सा मध मिला दीजिए, और इस रस को मध के साथ मिलाकर नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम अगर ले लें तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते हैं। अंग्रेजी की दवा पैरासीटामोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है, बहुत अच्छी। तुलसी का सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में। अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए, बुखार तुरंत 105 से 102 101 पे आ जाए। काढ़ा कैसे बनाना है? तुलसी के पत्ते 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजिए, आधा कप पानी में खूब उबालिए, इस पानी को इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए, फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बना के पी लीजिए। तो ये काढ़ा है तुलसी का, इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता है, बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने। अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, बहुत डेंड्रफ है, बहुत परेशान है, खोड़ा, खोड़ा कहते हैं क्या कहते हैं बरन, खोड़ा ये बहुत हो गया, डेंड्रफ हो गया, खुजली बहुत आ रही है, तो यही श्याम तुलसी का रस निकालिए, चटनी बनाकर और ये बाल में लगा लीजिए, एक तास के बाद बाल को धो दीजिए, सब कोंडा निकाल दें, डैंड्रफ आपका एकदम ठीक कर देते। और इस तुलसी का एक अच्छा उपयोग है, कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है, आपको 3 दिन रक्त जाना चाहिए लेकिन 5 दिन जा रहा है, 7 दिन जा रहा है, कभी कभी 10 दिन जा रहा है, तो यही तुलसी का रस पी लीजिए, रक्त को तुरंत बंद कर दे, बहुत अद्भुत है। इस एक तुलसी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं।